दोस्तों, सिंधवाज के साथ मैं हूं कुर्बान पावर। आज हैदराबाद प्रेस क्लब में शहीद जान मोहम्मद मर, जो कि उत्तर सिंध का बहुत बड़ा जनस था, जिसको 3 महीने पहले कत्ल किया गया था, उसके सिलसिले में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पूरे सिंध में, मतलब पूरे पाकिस्तान में इत्तेहाद किए गए और कराची प्रेस क्लब के आगे और कराची सीएम हाउस के आगे इत्तेहाद किए गए। और आज यहाँ हैदराबाद में, जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, हैदराबाद प्रेस क्लब के अंदर सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल के हिसाब से कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें सिंध भर से और पाकिस्तान भर से जर्नलिस्ट आए हुए हैं। और उन सब में ये तशवीश है कि सिंध के जो जर्नलिस्ट कत्ल किए जा रहे हैं, उनके जो कातिल हैं वो गिरफ्तार नहीं होते। सिंध गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर, सिंध गवर्नमेंट का आईजी, उन्होंने वायदे किए, उन्होंने ऐलानात किए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया ताकि शहीद जान मोहम्मद मर के कातिलों को गिरफ्तार किया जा सके। सिंध हुकूमत ने, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने उत्तर सिंध के कुछ इजला में ऑपरेशन का भी ऐलान किया और वहाँ सिर्फ पुलिस नहीं, रेंजर्स को भी बुलाया गया, रेंजर्स भी मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा उन्होंने एक्शन नहीं लिया कि जो दहशतगर्द हैं, जो डकैत हैं, जो कातिल हैं वो गिरफ्तार किए जाएं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के फोटो तो निकाल कर दिखाए जा रहे हैं, वीडियो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो ऑपरेशन हो दहशतगर्दों के खिलाफ, डकैतों के खिलाफ और कातिलों के खिलाफ, वो नहीं किया जा रहा। इस सिलसिले में सिंध भर के और पाकिस्तान भर के जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ आज हैदराबाद में ये कन्वेंशन में शरीक हैं और उन सबका ये मुतालबा है कि शहीद जान मोहम्मद मर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद के अंदर वफाकी सरकार के अहम अमलदारों से भी मुलाकातें की, उन्होंने भी वायदे किए, उन्होंने भी ऐलान किए कि हम शहीद जान मोहम्मद मर के कातिलों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आज तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। तो सिंध भर के पूरे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनमें ये तश्वीश है, उनमें ये बेचैनी है कि सिंध के जो जर्नलिस्ट कत्ल हो रहे हैं, उनके कातिल क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज ये कन्वेंशन हो रहा है और ये 5वां मरहला है इस जदोजहद के सिलसिले में, और आज हो सकता है कि कोई ऐसा और ऐलान हो जाए जदोजहद का, वो देखेंगे क्या होता है। और सिंध के सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो मुतहद हैं, वो मुतहरक हैं और वो तश्वीश का इजहार कर रहे हैं कि शहीद जान मोहम्मद मर के कातिल क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे। देखिए, अभी तक तो उसकी संजीदगी ये नजर आ रही है कि 4 माह हो चुके हैं लेकिन कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि या तो वो संजीदा नहीं है, या जो सिंध पुलिस है और सिंध हुकूमत है वो नाअहल है कि वो कातिलों को गिरफ्तार करने में बेबस हो गई है। तो लिहाजा हम तो पहले दिन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध के जो निगरान वजीर दाखिला हैं उनको और जो आईजी सिंध हैं उनको भेजा जाए सक्कर, के वो वहाँ पर जाकर हफ्ता 10 दिन कैंप कायम करें, सक्कर घोटकी कंदकोर कश्मोर शिकारपुर की पुलिस को ऑनबोर्ड करें और ऑपरेशन करें, तो 1-2 दिन में कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सारे सिंध के लोग धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर झोंक भी नहीं रेंग रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम थककर खामोश होकर बैठ जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हम ये एहतजाज जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक शहीद जान मोहम्मद मर के कातिल गिरफ्तार नहीं हो पाते। देखें, सहाफ़ियों का लाहेअमल जो है वो हमेशा वही रहा है, क्योंकि हम कलमकार हैं, हम कोई बंदूक हाथ में नहीं उठा सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। उसी सिलसिले में जो ये हमारा 5वां मरहला आज शुरू हो रहा है, सरकार की पोजीशन जो पहले दिन थी वही है, आसरे हैं, बातें हैं और उन बातों के अलावा कोई एक्शन नहीं है। कभी कोई फोटोग्राफर ले जाके किसी झुग्गी को आग लगा के बोल देते हैं कि हम जो है ना उनके घर जला दिए, फिर किसी दूसरी झुग्गी को आग लगा देते हैं। हम कहते हैं कि भाई, जो कातिल नामिनेट हैं, जिनको आप पहचानते हैं, हमसे ज़्यादा आप पहचानते हैं, उनको गिरफ्तार करें, अदालत में लाएं,
हम कोई किसी को मारने की बात नहीं कर रहे, हम कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल बात नहीं कर रहे, हम वही कह रहे हैं जिसका कानून हमें इजाज़त देता है। और सरकार जो है वो पहले दिन वाली पोजीशन पे खड़ी है और हम मुसलसल उसी अच्छाई में जा रहे हैं।